चलाओ ये सब जल्दी फास्ट फास्ट ज्वाइन करो। क्या होते तो कुछ कम दिखे जल्दी जल्दी ज्वाइन हो फास्ट। चलो लेट स्टार्ट सिलेक्शन ऑफ ज्यादा वेट नहीं करेंगे अपन और सीधे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्या बात है बहुत कम स्टूडेंट्स हैं मालूम नहीं क्या टाइमिंग टाइमिंग मालूम नहीं क्या तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नाउ। लेक्चर स्टार्ट करेंगे ओके। सो व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस ये नंबर क्वेश्चन फ्रॉम द बेस ऑफ दैट वर्क मैट्रिसेस के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे इसमें तो कहां तक आगे कितने पक्का लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है लेकिन अगर अपन लास्ट क्वेश्चन अपन यहां तक रुक गए थे अपन ये क्वेश्चन चालू था अपन एक कैपिटल ए इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप यू नो एक कैपिटल ए इज इक्वल मैट्रिक्स ऐसी अगर से 1 माइनस 1 1 और 0 2 माइनस 3 0 2 2 1 0 2 2 1 2 2 0 ऐसे के सिमेट्रिक्स है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है एंड सी इज इक्वल टू 5 ए कितना तुमको दिया वाला है। तो देन वैल्यू कुछ निकालेगा अपने तो देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय determinant of adjoint of B divided by determinant of C is equal to what? So the options are first option something like to be a 5, next option is a 25, next option is a minus 1 and then next option is a plus 1 is there. Some students getting joining here. Past year are up. Okay. So ये क्वेश्चन अपना पिछला क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव में विचार प्रश्न इम्पोर्टंट क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टंट क्वेश्चन आस्किंग फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है कैपिटल ए देखिए B is equal to adjoint of A देखे और C is equal to 5 A देखे हमको बोला इसकी वैल्यू क्या रहेगी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू क्या है। एकदम सिंपल हो सबसे पहले वो कंडीशन को हाथ बटाओ तो एडजॉइंट ऑफ B जॉइंट बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ B में अगर तुम देखेंगे तो ये एडजॉइंट एज इट इज और B के प्लेस पे एडजॉइंट ऑफ A इन प्लेस ऑफ B देयर इज एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी मतलब सी के प्लेस पे सी की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ 5 इनटू ए। तो यहां पे दो प्रॉपर्टीज का यूज है देखो अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये तुमको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या रहती है अपन शॉर्टकट में देखने वाला है अभी यहां पे बता रहा हूं मान ली शॉर्टकट मैंने लिख दिया था एक प्रॉपर्टी
यदि एंट्रॉइड ऑफ ए अगर से तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए, याद है ए प्रॉपर्टी। और दूसरा शॉर्टकट क्या लिखे गया था, डिटरमिनेंट में के इंटू ए है तो क्या आता है के रेस टू एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट अगर कोई कॉन्स्टेंट के साथ मैट्रिक्स के साथ अगर से कोई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट कैसा बाहर आता के का पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज अपन लिखे हुए शॉर्टकट में, ये दोनों का यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट कैसे आएंगे, सबसे पहले ये दो शॉर्टकट समझ के उनको बता दे। अब हमारा काम है डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब हो गया 1 -1 1 0 2 -3 2 2 0, इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, देखो यहां पे निकाल के बताइए इसका 1 0 + 6 + 1 कितना आ गया बोलो, 0 + 6 + 1 कितना आ गया बोलो, 0 - 4 कितना आ गया बोलो, बराबर के देखो 1 0 + 6 - 1 + 1 0 + 6 + 1 0 - 4, तो 6 + 6 = 12, 12 में से 4 के 8, कुछ तो करना पड़े इसमें डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स को देखेंगे अपन, 1 - 1 1 1 - 1 1 0 2 - 3 0 2 - 3 and then 2 2 0 2 2 0, तो ये कितना आ गया देखो 2 2 0, 1 - 1 1 0 2 - 3 और ये कितना आ गया 2 2 0, तो कितना मिला 1 as it is 0 - 1 has become +6 -1 has become +1 0 - -1 - 4 - 4 6 और 6 12 12 में 4 जल्दी उतरा जॉइन। क्वेश्चन में थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपने, क्वेश्चन बुक में थोड़ा क्वेश्चन गलत दिख रहा है काफी, नोटबुक में भी और फेसबुक में भी। यहाँ पे 1 मिनट टाइम तो चेक किया, एक मिनट चेक करेंगे अपन इसको। चेक बदल दिया क्वेश्चन बराबर करेक्ट आर नॉट, यहाँ पे चेक करेंगे इसको अपन। देखो यहाँ भी कुछ प्रिंट मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे इसके वैल्यू आना चाहिए 5, या अगर सिर्फ 5 आया तो आंसर बराबर है, तब प्रिंट मिस्टेक है क्वेश्चन में, कुछ तो भी समथिंग रॉन्ग इन दैट क्वेश्चन। सी एन ओ सर -6 क्या, हाँ यहाँ पे कितना है 0, देखो ना यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करो, देखो कितना मिला 1 0, ये फॉर्मूले का माइनस और ये -3 - -6 यहाँ पे कितना -1 0 - -6 पूजा बरोबर है ना, 1 0 - 4 ठीक है बरोबर है का, यस टेल मी नाउ पूजा वार्ड, हाँ यस, मग आता काहीतरी याच्यामध्ये नोट झालेले बघू तर काय असतील याच्यामध्ये। तर जर मी 1 घेतला समजा फॉर एक्झाम्पल, 1 जर घेतला तर मला ऍडजस्ट करावं लागेल कारण पुस्तकात प्रिंट मिस्टेक दिसाय, 0 - 3 0 + 3 + 1 0 + 6 + 1 किती 0 - 4 सांग की, हा बरोबर आहे, 0 + 3 3 6 आणि 1 येते तुम्हाला 1 येते 4, म्हणजे 9 मधून 4 गेले ते किती 5, तर हे प्रिंट मिस्टेक इथे आहे,
इथे पहिले दोनच्या जागी दोन लिहिला होता, हा प्रिंट मिस्टेक इथे असायला पाहिजे, इट शुड बी अ वन, हे लक्षात घ्या. हे जर वन घेतलं तर तुम्हाला किती येतो असं डिटरमाइन, पाच. आता बरोबर आहे, प्रिंट मिस्टेक आपण त्याची दूर केली पुस्तकामधनी. काय अडचण नाही, काय मुलं जॉईन होत नाही, कसे कसे मध्ये मध्ये डिस्टर्ब करेल. बरं ठीक आहे, तर याचं डिटरमिन किती आला सांगा. आता डिटरमिंट आला याचा पाच. डिटरमिंट मध्ये डिटरमिंट जागी वगैरे शकतो, डिटरमिंट आला पाच ए, अपोर लिटर मध्ये डिटरमिंट जागी पाच आणि हे ए, 125 इंटू किती डिटरमिंट आहे. आता तीच सेम प्रॉपर्टी, पाच डिटरमिंट में है तो बाहेर कसं आएगा, पाच का पॉवर तीन इंटू कितना डिटरमिंट ऑफ ए, और नीचे भी कितना है 125 इंटू डिटरमिंट ऑफ ए. सबको मालूम है पांच का पावर तीन मतलब 125 इंटू डिटरमिंट ऑफ ए, ये आपका 125 इंटू डिटरमिंट ऑफ ए, तो सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन, और ऑप्शन नंबर डी इज देयर. बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर. यस, टेल मी नाउ, वन प्रिंट मिस्टेक इज देयर. बोलो क्लियर है. यस, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट. यस, जो अभी ज्वाइन हुए उनके आया के समझ में. यस क्लियर. अजून और कोई. यस ओके. व्हाट अबाउट फैजल खान, व्हाट अबाउट कौन 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 है, अनुज. अनुज तो बोल दिया. खुशी अलग लक्षण, खुशी लक्षात आला का, कळलं काय काय करायचं याच्यामध्ये. याच्यामध्ये प्रिंट मिस्टेक होती, फक्त त्याच्यामध्ये वन करायचा होता, बाकी काही चार्ज नाही. ठीक आहे, तर काय करते, ही कंडिशन दिलेली आहे बघा, महत्वाचा क्वेश्चन आहे, चार मार्क विचारलं परीक्षेमध्ये. ही कंडिशन घेते आपण, डिटेल मध्ये ऍडजॉइंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ सी, ऍडजॉइंट च्या जागी ऍडजॉइंट, आणि हा बी म्हणजे बीच्या जागी काय वापरलं आपण, ऍडजॉइंट ऑफ ए, बीच्या जागी, हा बीच्या जागी ऍडजॉइंट ऑफ ए, सीच्या जागी सीची व्हॅल्यू फाईव्ह. Adjoint of is a shortcut, determinant of x upon n minus 2 into a. And is a shortcut kai, 5 sa power, left at least 3 open, 5 sa power n into the determinant of a. And 5 sa power n zar pahi la, so 5 sa power ke liye tumhala 3, n madhi ki tiye 3, echa kala 3 thewa, and is order ke tiye 3 by 3. 3 madhun don gela 8, tite kai orla determinant of x power 1 into a, divided by the 5 sa power 3 into determinant of a. And then we determinant of a kaadla, determinant of a manje se determinant kaadla, dhe ki tiyala 5. डिटरमिनेंट ऑफ ए च्या जागी पाच आणि हा ए एज इट इज, पाच चा पॉवर तीन किती 125, किंवा एक नाव द्यायला एज इट इज, काय अडचण नाही, पाच चा पॉवर तीन इंटू ए राहू द्या, एज इट इज, काहीच अडचण नाही, असं पण देता येईल तुम्हाला. मग याला तुम्ही जर प्रॉपर्टी वापरली तर पुन्हा पाच चा पॉवर तीन डिटरमिनेंट ऑफ ए, हे पूर्ण गेट्स कॅन्सल, सगळेच कॅन्सल भेटणार, तुम्हाला डायरेक्ट बोली किती भेटणार, किती फॉर्ट किती, ऑप्शन नंबर डी. ते क्वेश्चन इम्पॉर्टंट था, चार मार्क के लिए एक्झाम में पूछा होता. स्टूडेंट्स ये बाहेर अंदर क्यों कर रहे, क्या बात. उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर से इफ पी इज इक्वल टू, इफ पी इज इक्वल टू, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ पी इज इक्वल टू वन मैट्रिक्स वन अल्फा थ्री वन थ्री थ्री एंड देन टू फोर फोर इज द एडजॉइंट ऑफ ए थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स, इज द adjoint of a 3 by 3 matrix. Question, question. The adjoint of 3 by 3 matrix capital A and applicating it and determinant of A is equal to 4 is equal to 4 comma then alpha is equal to first option A 4 11 5 0 is still enough. Again, important question. You have taken here. Question samajh ke lo, theoretical question hai. Equal matrix, agar se adjoint of a 3 by 3 matrix capital A, to us time pe our determinant of A ki value 4 di wali hai, is by 4.
it is the value 4. Then alpha is equal to, what is the alpha? You have to find out here. So condition ke hisab se kya hai, p kya hai, adjoint hai kiska, matrix a ka, hum kya likhenge, p is equal to adjoint of a, ya fir adjoint of a is equal to p, dono ka meaning same, p kiska hai, a matrix hai, kya hai, adjoint hai, adjoint of a is equal to kitna, p. और इसमें तुमको डिटरमिनेंट की वैल्यू दी वाली है, इसके मतलब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट इसका भी, डिटरमिनेंट इसका भी, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 तो ये आ गया 1 4 3 12 माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0 हो गया, माइनस का अल्फा 4 माइनस 6 प्लस का 3 शॉर्टकट में लिख के दिए वाला है, तुमको अगर याद है शॉर्टकट, तुम्हारे शॉर्टकट में लिख के दिए वाली इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए अगर से आता है तो इसके लिए जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1, ठीक है, इसलिए और शॉर्टकट में देखो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1 है, बस इस तरह तो सीधे तो यहां पे 1 देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको रख दो, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हुई, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6, तो n कितना है यहां पे 3, स्पॉट और p का ऑर्डर कितना है 3, तो n इधर 3, सो ये कैसे आ गया 3 में से एक गया कितना आ गया 2, 2 अल्फा माइनस 6, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू तुमको दी वाली, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 4, ये कितना मिला है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6, सो देयरफॉर 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू कितना 16, 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 6, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 22, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया ऑप्शन नंबर दो, आया समझ में, एग्जैक्ट ये यस टर्मिनल आया समझ में, क्या क्या दिया वाला था, कोई मैट्रिक्स पी जो है ये एडजॉइंट है 3x3 मैट्रिक्स कैपिटल ए का, तो हमने क्या लिखे, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या है पी, पी क्या है ए का एडजॉइंट है, तो पी इज इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों साइड से मैंने डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन, डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन, और बाकी सब तुम्हारे सामने, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका शॉर्टकट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1, राइट, इसका शॉर्टकट क्या है, देखो यहां पे लिख के बताया मैंने, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1, तो यहां पे वही अपन इसके लिए भी ए का पावर एन मतलब 2 अल्फा माइनस 6, तो यह मतलब कितना 3, 3 में से क्या कितना आ गया 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 दी होगी, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो 16 अल्फा इज इक्वल टू कितना है, राइट, आगे बोलो, तो समझ आएगा सबके, वेरी गुड, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अभी जो लिए वाले दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट, अगले क्वेश्चन तरफ जाएं, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, so the next question is something like to give, if A and B are two square matrices such that capital A and capital B are two square matrices such that comma such that B is equal to minus A inverse into BA, comma then A plus B sa whole square is equal to, first option A 0, A square plus B square, B option A square plus 2AB plus B square, last option A plus B. You can tell me
तो कंडीशन दी वाली है उसके हिसाब से हमको क्या निकालने का है, वैल्यू निकालने का है। आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या बताऊं मैं? यस टेल मी क्वेश्चन करिए दस सेल तक, ठीक है मैं तमिल आपको तुम्हारे दस सेल तक तो खा लो नसल तक अपन बोर्ड पर सॉल्व करो। मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं रहता, ये बात याद रखो। इससे पहले मैंने तुमको नोट में बताया वाला है, इम्प्रूव करके बताया वाला है इलेवंथ में, a plus b का whole square is not equal to a square plus 2ab plus b square, ये हमेशा इसके equal नहीं रहता। तो बोल दे यार option number c बोल के डायरेक्ट नहीं है, ये option नहीं, ये छोड़ दो। प्री कंडीशन में अभी b is equal to a inverse into b है ना, ये कंडीशन तो हमको दी वाली। हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, जैसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करना तो ये हो गया ab is equal to minus, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करो a into a inverse into कितना b है, तो ये मिला a b a inverse into a i into b a, तो ये मिला a b is equal to i into b a। तो ये कोई भी आइडेंटिटी को अगर से ये मैट्रिक्स दोनों भी मैट्रिक्स है b a, इसको तुम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेंगे, मतलब माइनस का b a। तो ये कंडीशन के हिसाब से तुम्हारे पास कितना है a b is equal to minus का b a, ये जो कंडीशन दी वाली है, ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दी वाली है इसको तुम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए से करेंगे तो इनवर्स इनटू ए क्या हो गया आई हो गया, और मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें तो अगेन दिस मैट्रिक्स। अब बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर से तुम देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब एक्चुअल क्या रहता मालूम है सबको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो पहले सुनो ए टू ए ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी b into a b a plus b into b b square। अभी a b plus b है यहाँ पे 2ab नहीं होता, इसकी वजह से इसका ऑप्शन नंबर c जैसा है रॉन्ग है। तब देखो कैसा होता, a b के वैल्यू तुमने क्या है a b is equal to कितना माइनस का b a, तो यहाँ पे हम a b के प्लस पे यूज करेंगे वैल्यू, a b is nothing but माइनस का b a और ये प्लस का b a और ये प्लस का कितना b square। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन चेक करेंगे बराबर, तो ये माइनस का भी है और प्लस का भी है कैंसर, तो आंसर कितना है तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज देयर। बोलो इंटैक्ट क्लियर आया सबके समझ में, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्री टाइप में, यस वेरी गुड यस। अच्छा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, तो जो कंडीशन दी वाली है वो कंडीशन का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन हमको दी हुई थी कि b is equal to minus a का इनवर्स इनटू b है, तो दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई करेंगे a से, a से मल्टीप्लाई करने से ये a इनटू इनवर्स i हो गया, और i को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी, तो ab की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का b। a plus b का होल स्क्वायर मतलब कितना है a plus b into a plus b, दोनों का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे AB के प्लेस पे ये वैल्यू यूज करो, AB मतलब कितना क्या माइनस का B है, तो इन प्लेस ऑफ AB वी कैन राइट माइनस B, तो माइनस का प्लस का कैंसिल, रिमेनिंग विल बी A स्क्वायर प्लस B। इसको ले समझो, अब फिर एक बार मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी आगे समझ में सकते, इसे कोई डाउट कोई शंका विशंका आशंका कोई है किसी कुछ पूछना है इसके बारे में, आई होप नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से बताया मैंने, there is no problem in that one, very good, no ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, so what is the next question here, see and now देखो अगला क्वेश्चन क्या है, next question is something like to be नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू
क्वेश्चन है टू माइनस टू माइनस टू टू और एक मैट्रिक्स कैपिटल बी है वन 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 वन. क्वेश्चन पूछा दे दे पहला ऑप्शन स्पॉन्सर सही इनवर्स इज इक्वल टू बी के बराबर रहेगा. बी ऑप्शन बी इनवर्स एग्जिस्ट. सी ऑप्शन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. Does not exist. The last option D. It is nothing but inverse exist. ऐसा है. अब उसमें से कौन सा सही है? तुम बोलो. चेक करके बोलो. जल्दी से तुम कर सकते हो क्वेश्चन. Tell me now which one of them is correct. कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो. चार में से जो ऑप्शन सही है उसका आंसर बोलो. कौन सा ऑप्शन सही है? इनवर्स इज इक्वल टू बी बराबर है बी इनवर्स एग्जिस्ट बराबर है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट के इनवर्स एग्जिस्ट. यस चारों में से बोलो. चारों की कंडीशन चेक करो जरा जल्दी पास बोलो. व्हाट इज आंसर? व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? वन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलो जल्दी पास. सी. वेरी गुड खुशी. नाइस. हां वेरी गुड. इस आंसर एकदम बराबर है. इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कारण का याच्यामध्ये तुम्ही त्याचा डिटरमिनंट काढला आहे एक साथ. टू मायनस टू मायनस टू आता टू इंटू टू फोर फॉर्म्युले का मायनस मायनस टू इंटू टू फोर फोर में से फोर गया जीरो. डिटरमिनंट की वैल्यू किती आली? जीरो. डिटरमिनंट की वैल्यू जीरो आहे तर आपण डायरेक्ट काय बोलतोय? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. आता तुम्ही फॉर्म्युले घ्या काय देतो. पहिला तो ऑप्शन देतो इनवर्स इज इक्वल टू बी आहे तर इसका इनवर्स तुम दो वेळा निकाल सकते. पहिला ऑप्शन चेक करो बराबर आहे. इनवर्स मतलब वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑपरेटर. तो दोनों निकाल देते हैं. डिटरमिनेंट जब निकालेंगे यही समझ में आएगा कि डिटरमिनेंट इसका कितना है? जीरो है. तो इसका मतलब यही तुमको पहला ऑप्शन ही चेक करने का था. तो तुमको यहाँ पे इनवर्स निकालने के वास्ते फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑपरेटर. यहाँ पे डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ी अपने को. डिटरमिनेंट में देखे थे यहाँ पे जीरो आया था. इनवर्स डायरेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. इसका डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी. वो निकालने की भी जरूरत नहीं है. पहला ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है. पहला ऑप्शन चेक करने के लिए डिटरमिनेंट की जरूरत है. और डिटरमिनेंट कैसे आ गया? जीरो आया. इसके रोज डज नॉट एग्जिस्ट. इसके ऑप्शन नंबर सी. क्लियर आया सबके समझ में? यस. टेल मी व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? आ गया सबके समझ में? यस और नो? जल्दी फास्ट. वेरी गुड. ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is something like to hear. Let's come. Next question is something like to hear. The first question is what is it? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे आप तरफ. ये क्वेश्चन देखो. इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन है वन टू 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 वन माइनस टू ए टू बी. ये क्वेश्चन इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन फ्रॉम अवेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो क्वेश्चन ने पूछा देन द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी. Then the order pair a comma b is equal to क्या आएगा? पहला ऑप्शन a 2 comma minus 1, दूसरा ऑप्शन minus 2 comma 1, तीसरा ऑप्शन 2 comma 1, चौथा ऑप्शन minus 2 comma minus 1. मतलब जनरली हमको क्या निकालने का है? a b की वैल्यू निकालने का है. ऑर्डर पेयर से पूछने वाला है. जरा क्वेश्चन फिर आगे पूछा तो मत फिर उसके साथ. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है.
कर सकते क्या? बोलो क्वेश्चन। यस टेल मी नाउ। एक ही क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए बी वाली, और ये मैट्रिक्स से सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 है, डिराइव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी कितना रहेगा, ये -2 कॉमा -1 ये बराबर ले सकता हूं। कंडीशन क्या रहेगी, ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 इक्वल टू 9i, ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स 1 2 2, 2 1 -2, a 2 b, ट्रांसपोज कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, इसका ट्रांसपोज 9i, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको इक्वेट करो, इक्वेट करके इक्वेशंस आएंगे, वो इक्वेशंस को सॉल्व करो और ए बी की वैल्यू निकालो, और आएगा ए क्या है, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज मतलब कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, और ये 9 इनटू i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आएंगे सॉल्व के लिए। यस टेल मी नाउ, आएगा क्या? यस यस, नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन, जल्दी बोलो, इसका आंसर कितना है? यस टेल मी फास्ट, मल्टीप्लाई करो और इसे इक्वल टू 9 आएगा। Yes, which option? Huh? Yes, what option? What option? Ala? Aye, ke leka multiply karna pehle do gar sath. Multiplication ekun thakna da. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर लाए, पहला रो पहला कॉलम, चलो मैं बताता हूं इसमें 1 + 4 + 4 ऐसा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 2 - 4 एंगल करने भी बोलो, थर्ड वन ए प्लस 4 + 2 प्लस, एक क्वेश्चन करके देखो इससे क्या आंसर आया, बोलो। आज के लिए हम यहीं स्टॉप करेंगे, कल इसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आएगा आएगा किसी का आंसर को? यस टेल मी नाउ व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए बी सी डी में से अनुज, पायस, खुशी, सोनके, लोकेश, कौन सा आंसर बरोबर है? अरे मल्टीप्लाई करा सर, दोगाना इक्वेट करा सर, बघा मराठी सांगतो तुम्हाला, याचा दोगाना, हे दोगांचा मल्टिप्लिकेशन, आणि ये मॅट्रिक्स 9 0 0, ये हे मॅट्रिक्स काय तुम्हाला एक्चुअली 9 ने मल्टीप्लाई केला तर आ झाला 9 0 9 0 9, लोकांना इक्वेट करा, इक्वेट केलं की तुम्हाला एबी ची व्हॅल्यू भेटते, ते व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एबी, जल्दी फास्ट ब्रो, लास्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एबी, इतना टाइम, इट्स ठीक है, बाद में सॉल्व करके बताओ, तो थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करेंगे अपन, आएंगे ना सॉल्व करने, येस और नो इतना एवढं सांगा मला फक्त, येईल ना तुम्हाला सॉल्व करायला? ठीक है, फिर इसका सॉल्व करके बोलो, आज अपन यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ।